वज़ीर-आला योगी आदित्यनाथ ने 3,135 करोड़ रुपए की लागत वाले 28 पावर सब स्टेशन का सगा बुनियाद रखा और इफ्तिताह किया। रियासत में सभी जगह 24 घंटे बिजली की फराहमी की सिमत में बड़ा कदम। वंदे भारत मुहिम के तहत कुवैत में फंसे हिंदुस्तानियों की वतन वापसी के लिए कुवैत से दिल्ली होते हुए भुवनेश्वर आ रहा है खसूसी तैयारा। मुसाफिरों के चेहरों पर नजर आ रही है खुशी। रियासत के वजीर मुमलकत बराए हज मोहसिन रजा ने कहा है कि आज़मीन हज का कोरोना वायरस से तहफ्फुज अहम। सऊदी अरब के साथ सफर हज को लेकर अब तक नहीं हो सका है राब्ता, इस साल का सफर हज किया जा सकता है मंसूख। महाजिर मजदूरों को बुंदेलखंड के ललितपुर जिले में मनरेगा के तहत तेंदू पत्ता तोड़ने का मिल रहा है काम। जिले में बनाए गए हैं 81 तेंदू पत्ता कलेक्शन सेंटर। मजदूरों को उनके बैंक अकाउंट में मिल रहा है मेहनताना। आदाब खबरों के साथ हाजिर हूं मैं सैयद शबाहत हुसैन और अब खबरें तफसील से। वज़ीर-आला योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में हर जगह 24 घंटे बिजली सप्लाई करने की अपनी मुहिम पर बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने आज लखनऊ में वाकई अपनी सरकारी रहायशगाह पर 3,135 करोड़ की लागत से बने 28 पावर सब स्टेशन का सग बुनियाद रखा और इफ्तिताह किया। इस मौके पर वज़ीर-आला ने कहा है कि इतने सब स्टेशन मिलने के बाद रियासत में बिजली की सप्लाई का निज़ाम मजीद बेहतर होगा। उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन में भी उत्तर प्रदेश पुलिस की पहली ऐसी रियासत है जहाँ इतनी स्कीमों का इफ्तिताह और सग बुनियाद रखा गया। वज़ीर-आला ने कहा है कि उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन अपने काम में पूरी लगन के साथ लगा हुआ है। आम लोगों के जज्बात का ख्याल रखने के साथ ही उन्हें बोहरान के दौर में बेहतर बिजली की सप्लाई की जा रही है। रियासत में हर किसान मजदूर और गरीब के साथ पावर कॉरपोरेशन ने इंसाफ किया है। बोहरान के दौर में भी उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन रियासत के 32 करोड़ लोगों के साथ खड़ा है। कोरोना संकट के दौरान पिछले ढाई महीनों से हम सब इस बात को देख रहे होंगे कि बिना लॉकडाउन की प्रवाह किए बगैर विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित करने में पावर कॉरपोरेशन ने प्रदेश के अंदर बहुत अच्छी सफलता प्राप्त की। उन क्षेत्रों को जहां पर आपदा के कारण ट्रांसमिशन लाइन को व्यापक क्षति पहुंची, वहां पे हो सकता है कुछ समय भले ही लगा हो, लेकिन सामान्यतः पूरे प्रदेश में विद्युत वितरण की स्थिति इस दौरान भी बहुत शानदार रही और कहीं से भी शिकायत का अवसर प्राप्त नहीं हो पाया। ये जनता के प्रति अपनी जवाबदेही के साथ ही पावर फॉर ऑल के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में पावर कॉरपोरेशन के द्वारा उठाए गए कदमों की एक नई श्रृंखला है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज प्रदेश सरकार 1,881.75 करोड़ रुपए की लागत से जिन परियोजनाओं को पूरा किया गया है उनका लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। 1,253.56 करोड़ रुपए की लागत से नई योजनाओं का शिलान्यास का कार्यक्रम यहाँ पर आज संपन्न हो रहा है और इन कार्यक्रमों को तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार भी पूरी मजबूती के साथ पावर कॉरपोरेशन के साथ खड़ी है। सबको बिजली और हरदम बिजली के इस लक्ष्य को लेकर के हम निरंतर कार्य कर रहे हैं। व्यापक सुधार की उस कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार निरंतर आगे बढ़ रही है।
हकीकी कंट्रोल लाइन पर फौजी तातुल दूर करने के लिए आज भारत और चीन के दरमियान लेफ्टिनेंट सतह की मीटिंग हो रही है। भारतीय नुमाइंदा वफद की क्यादत लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह कर रहे हैं, जो लेह में वाकई 14वीं कोर के जोन ऑफिसर कमांडर हैं, जबकि चीनी वफद की क्यादत तिब्बत फौजी जिला कमांडर कर रहे हैं। ये बातचीत मशरकी लद्दाख के त्रिशूल सेक्टर के माल 2 में सरहदी एहलकार मीटिंग के मकाम पर हो रही है। माना जा रहा है कि इस मीटिंग में हिंदुस्तानी फौजी पेंगोंग तिशू और ग्लोवान घाटी में मौजूदा सूरत हाल बहाल करने पर जोर देगा, ताकि 5 मई को दोनों फरकीन के दरमियान पुरतशद्दुद झड़प के बाद चीन की जानिब से बनाए गए मुस्तकिल कैंपों को हटाते हुए कशीदगी में धीरे धीरे कमी लाई जा सकेगी। गुज़िश्ता महीने तातुल के आगाज़ के बाद हिंदुस्तानी फौजी क़यादत ने फैसला लिया था कि हिंदुस्तानी फौज पेंगोंग तिशु, गुलवान घाटी, डैंगचक चौक और दौलत बेग ओल्डी के सभी मुतनाज़ा इलाके में चीनी फौजियों के जारहाना रवैये से निपटने के लिए सख्त रुख अपनाएगी। भारत और चीन के दरमियान 3488 किलोमीटर तवील हकीकी कंट्रोल लाइन है। भारत चीन की मीटिंग के दरमियान हिंदुस्तानी फौज की जानिब से बयान जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि हिंदुस्तानी और चीनी अफसरान भारत चीन सरहदी इलाकों में मौजूदा सूरत हाल से निपटने के लिए कायम फौजी और सफारती चैनलों के जरिए बातचीत कर रहे हैं। फौज के जरिए सलाह दी गई है कि हकीकी कंट्रोल लाइन पर भारत और चीन के दरमियान मौजूदा तातुल को लेकर मीडिया को अटकलों की बुनियाद पर बेबुनियाद रिपोर्टिंग करने से बचना चाहिए। फौज ने कहा है कि इन मीटिंगों को लेकर कयास आराइयां करना, बेबुनियाद रिपोर्टिंग करना मुफीद नहीं होगा। कोरोना वायरस COVID-19 के सबब इस बार सफर हज मनसूख हो सकता है, और माना जा रहा है कि इस साल भारत से आज़मीन हज सफर पर नहीं जा पाएंगे। रियासत के वजीर ममलकत बराए हज मोहसिन रजा ने बताया है कि कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैला है, ऐसे में सऊदी हुकूमत ने भी हुकूमत हिंद से अभी तक सफर हज को लेकर कोई राबता नहीं किया है। मोहसिन रजा ने कहा है कि ऐसी हालत में यह माना जा रहा है कि इस साल सफर हज नहीं होगा। उन्होंने कहा है कि जिन हाजियों ने पैसा जमा किया है उनका पूरा पैसा वापस कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि हुकूमत का हदफ लोगों की जान बचाना है और हिंदुस्तानी आज़मीन हज का तहफ्फुज़ भी अहम है, इसलिए सफर हज रद्द किया जा सकता है। अभी तक सऊदी अरब सरकार ने भारत सरकार से कोई संपर्क नहीं किया है और ना ही हमारे पास कोई ऐसी बात है कि जिसके लिए हम कह सकें कि हमारे लोग हज पर जाएंगे या नहीं जाएंगे। लेकिन अगर आप कोरोना की स्थिति को देखें तो कोरोना की स्थिति को देखकर तो यह साफ है कि इस बार हज बहुत मुश्किल है। हमारे देश से, खास करके हिंदुस्तान से, उत्तर प्रदेश से लोगों का जा पाना मुझे तो लगता है नामुमकिन है, क्योंकि हम पूरा देश में कोरोना से लोगों को सुरक्षित करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और सऊदी अरब सरकार के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती होगी कि उनके यहाँ 20-25 लाख लोग अलग अलग देशों से आएंगे, उसमें भारत के भी 2 लाख लोग होंगे, तो उनको कैसे लेंगे और फिर उनका टीकाकरण होना, उनका कोरोना टेस्ट होना, तो ये एक अलग चुनौती होगी। तो चूंकि इस तरह की परिस्थितियां हैं तो इन परिस्थितियों में मुझे लगता है कि इस बार हज हो पाना नामुमकिन होगा। और इसीलिए भारत सरकार ने हम सबको आदेशित किया है कि जिन आजमीन ने अपने रजिस्ट्रेशन किए थे हज को लेकर, अगर वो अपना पैसा रिफंड चाहते हैं तो फॉर्म्स दिए जा रहे हैं, वो भर देंगे, वो हमें दे देंगे, हम उनका 100% पैसा रिफंड कर देंगे। भारत सरकार ने इस बात के लिए हमको बता दिया है, तो इसलिए हम जरूर आपके साथ शेयर करना चाहते हैं कि हम उनका पैसा वापस कर देंगे, क्योंकि अब इस दौरान ना उनका कोई टीकाकरण हो पाएगा, ना मेडिकल टेस्ट हो पाएंगे, उसके साथ साथ कोरोना के टेस्ट, ये सब चीजें हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती हैं। तो इसलिए पहले सुरक्षित रखना सबको, सबकी जान बचाना, ये हमारे लिए प्राथमिकता होगी, सभी देशों के लिए होगी। दिल्ली फसादात को लेकर दिल्ली पुलिस ने एक और चार्जशीट दाखिल की है। ये चार्जशीट 27 साल के राहुल सोलंकी के कत्ल से जुड़ी हुई है। इस साल 24 फरवरी को दयालपुर पुलिस स्टेशन इलाके में शिव विहार तिराहे के पास हुए फिरका वाराना फसादात में राहुल का कत्ल कर दिया गया था। पुलिस ने इस मामले में CCTV फुटेज और साजिशों की बुनियाद पर 7 लोगों को गिरफ्तार किया, जो अभी अदालती हिरासत में हैं। राहुल सोलंकी उत्तम नगर से सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा कर रहा था। वंदे भारत मुहिम के तहत कुवैत में फंसे हिंदुस्तानियों की वतन वापसी के लिए वहां से एक खसूसी तैयारा भारत के लिए परवास कर रहा है, जो दिल्ली से होते हुए भुवनेश्वर पहुंचेगा। उड़ान भरने से कबल कुवैत एयरपोर्ट पर मुसाफिरों ने तमाम फॉर्मेलिटी पूरी की। इन सभी मुसाफिरों के चेहरों पर घर लौटने की खुशी वाजह तौर पर नजर आ रही थी।
एटा जिले में वजीर सेहत अतुल गर्ग ने इंतजामिया के अफसरान के साथ जिला अस्पताल का मुआयना किया। मुआयने के दौरान अस्पताल में मिली खामियों को लेकर महकमे के अफसरान से बंदोबस्त को जल्द से जल्द दुरुस्त करने के अहकाम दिए। इस दौरान वजीर सेहत ने वबा से मुकाबला करने वाले कोरोना वॉरियर्स की सताइश की। उन्होंने बताया कि रियासत की योगी हुकूमत कोरोना से निपटने के लिए बड़े पैमाने पर इंतजाम कर रही है। कोरोना की वबा से निपटने के लिए पूरी रियासत में 1,00,000 बेड मख्तस किए गए हैं ताकि कोरोना के इन्फेक्शन से किसी शख्स की इलाज की कमी से मौत ना हो सके। हमारे यहाँ जो मरीज हैं इस समय करीब 3,500 एक्टिव मरीज, कितने 3,500 के लगभग, और आपको जान के ताज्जुब होगा कि 1,00,000 से ज्यादा बेड पूरे उत्तर प्रदेश में तैयार है। जैसे कि आपने यहाँ देखा ना कि यहाँ बेड तैयार हैं, वेंटिलेटर तैयार हैं, डॉक्टर तैयार हैं। तो ये जो एडवांस प्लानिंग ये कर रखी है वो इसलिए कर रखी है कि अगर कभी ज़्यादा बड़ा कोई संकट आ जाए तो ऐसा कोई आदमी ना रहे कि जिसको इलाज ना मिले। बहुत सारे प्रदेशों में आप सुनते होंगे लोग कह रहे हैं बेड नहीं मिल रहे हैं, इलाज भी हो रहा है। हमारे यहाँ ऐसी समस्या नहीं। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला अवनीश कुमार अवस्थी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि वजीर अला योगी आदित्यनाथ ने कोविड 19 के इन्फेक्शन के चेन को तोड़ने के लिए मुकम्मल एहतियात बरतने पर जोर देते हुए कहा है कि अनलॉक का मतलब ये नहीं है कि आज़ादी है। उन्होंने सिविल सोशल डिस्टेंसिंग पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा है कि यह यकीनी बनाया जाएगा कि अवामी मकामात पर 5 से ज्यादा लोग जमा ना हों, पुलिस के जरिए मौसर पेट्रोलिंग करते हुए भीड़ को जमा होने से रोका जाए। उन्होंने कहा है कि कंटेनमेंट जोन के बाहर के इलाकों में मरहलेवार तरीके से छूट देने का इंतजाम किया गया है। इसके तहत 8 जून 2020 से मुख्तलिफ सरगर्मियों की छूट दी जाएगी। 65 वर्ष से अधिक जो व्यक्ति है सहरुग्णता यानी जिसको कोमॉर्बिडिटी है यानी कोई अन्य रोगों से भी ग्रसित है, गर्भवती महिलाएं हैं और 10 वर्ष की आयु से कम के बच्चे हैं, तो उनको सलाह दी जाती है कि वह जब तक आवश्यक ना हो तब तक घर से बाहर ना निकलें। यानी इनको सबको सलाह दी जाती है कि जब तक आवश्यक ना हो तो घर से बाहर ना निकलें। जो भी ऐसे लोग हैं जो बाहर निकल रहे हैं वो हर हालत में यह सुनिश्चित करें कि जो कोविड 19 का प्रोटोकॉल है और जो अन्य सावधानियां हैं हेल्थ की उसका अनुसरण करें। इन उपायों में जो धर्मस्थल के लिए, जो कार्यालयों के लिए, जो मॉल्स के लिए, जो रेस्टोरेंट्स के लिए और जो होटल्स के लिए जारी किए हैं उनमें कॉमन बिंदु यह है कि फेस कवर मास्क का प्रयोग अनिवार्य होगा। पहला बिंदु फेस कवर और मास्क का है। किसी भी अनलॉक 1 के अंतर्गत जो छूट दी गई है परिसरों में बिना मास्क या फेस कवर का कोई भी व्यक्ति किसी भी रूप में नहीं रहेगा, चाहे वो वहाँ की प्रबंधकीय व्यवस्था में हो, चाहे वो वहाँ का कर्मचारी हो, चाहे वो वहाँ का आगंतुक हो, चाहे वो वहाँ का श्रद्धालु हो, चाहे वो होटल का रेजिडेंट हो, चाहे वो किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने आया हो। प्रत्येक व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों पर यथासंभव 6 फीट की दूरी जो है 2 गज की दूरी अवश्य बनाकर रखेंगे। प्रत्येक भवन यानी कार्यालय भवन, धर्म स्थल, होटल, रेस्टोरेंट या मॉल में अंदर घुसने से पहले अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर का अवश्य उपयोग करेंगे। प्रिंसिपल सेक्रेटरी सेहत अमित मोहन प्रसाद ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है कि कोरोना वायरस इन्फेक्शन के गुज़िश्ता 24 घंटों में 382 नए मामले सामने आए हैं। इस वक्त रियासत में इन्फेक्शन के कुल एक्टिव मामले 3,927 हैं। जो लोग सेहतियाब होकर अपने घर जा चुके हैं उनकी तादाद 5,809 है। कोरोना वायरस से अब तक मरने वालों की तादाद 268 हो गई है। उन्होंने कहा है कि गुज़िश्ता रोज रियासत में 11,318 सैंपल की जाँच की गई है और अजला के जरिए 11,907 सैंपल मुख्तलिफ लैब में जांच के लिए भेजे गए हैं। विगत 24 घंटों में कुल 382 नए प्रकरण सामने आए हैं, 382। इस समय प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 3,927 और जो लोग संक्रमण के पश्चात पूर्णतः उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं उनकी संख्या
5908 अभी तक कोरोना वायरस धनात्मक लोगों की कुल 268 लोगों की मृत्यु हुई है। कल प्रदेश में 11318 सैंपल्स की जांच की गई और जनपदों के द्वारा 11907 सैंपल विभिन्न प्रयोगशालाओं को भेजे गए। पूल टेस्टिंग के माध्यम से जो हम टेस्ट करवाते हैं प्रयोगशालाओं में, उनमें 5-5 सैंपल के 983 पूल और 10-10 सैंपल के 148 पूल लगे। 5-5 सैंपल वाले 983 में से 179 पूल में पॉजिटिविटी पाई गई और 10-10 सैंपल के 148 पूल में 25 में पॉजिटिविटी पाई गई। रियासत के एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जोन SN सावत ने कहा है कि लॉकडाउन के बाद अनलॉक 1 के दौरान मामूलात जिंदगी बहाल करने के साथ ही कोरोना वायरस से लोगों का तहफ्फुज किया जाना भी जरूरी है। लखनऊ के नजदीक मलियाबाद में उन्होंने बताया है कि पुलिस और इंतजामिया आपसी तालमेल के जरिए महाजिर मजदूरों और बाहरी रियासतों व दीगर अजला से लखनऊ आए लोगों पर खसूसी तवज्जो दे रही है। उन्होंने बताया है कि बाहर से आए लोगों को क्वारंटाइन कराने के साथ ही दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर की त्याबी समेत आम लोगों के जरिए मास्क लगाने के लिए भी सख्ती से अमल दरामद करने के साथ ही कोरोना वायरस से बचाव के लिए भी उन्हें बेदार किया जा रहा है। इससे कबल एक प्रोग्राम में ADG SN सावत, IG लक्ष्मी सिंह और SP देही आदित्य लहंगे ने मलियाबाद कोतवाली में शजरकारी भी की। हम लोग अगर ऐसे बताएं तो कुछ चीज़ों पर जो विशेष ध्यान दे रहे हैं, पहली बात है जो बाहर से जो व्यक्ति आ रहे हैं, चाहे हमारे कामगार साथी जो बाहर से आए हुए हैं, उनको क्वारंटाइन किया गया है और उस क्वारंटाइन के दौरान वो क्वारंटाइन को भंग ना करे, उसके लिए ग्राम निगरानी समिति बनाई गई है, मोहल्ला निगरानी समिति बनाई गई है, ताकि वो दूसरों को अगर बाई चांस वो संक्रमित हो भी जाते हैं तो उनका इलाज भी हो और लेकिन उसके साथ साथ वो दूसरों को संक्रमित ना करे। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन उसको बहुत अच्छे ढंग से प्रशासन एवं पुलिस द्वारा तथा हमारा स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जा रहा है। उसके बाद जो हमारे दुकानें खुल गए हैं, वो दुकान में जो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की जो बात है, ये निश्चित रूप से ये भी बड़ा चैलेंज है, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। तीसरा है कि जो मास्क पहनना कंपलसरी किया गया है, पब्लिक प्लेसेस में थूकेंगे नहीं उसके बारे में भी बताया गया है और उसके बारे में कानून बनाया गया है, तो उसके दिशा में भी जो एनफोर्समेंट की कार्रवाई भी पुलिस द्वारा किया जा रहा है, ये सब बड़ा चैलेंज है। ललितपुर जिले में आलमी योम मोहल्लियात के मौके पर मजदूरों को तेंदूपत्ता तुड़ाई का मेहनताना तकसीम किया जा रहा है। जंगलाती पैदावार पर इन्हिसार करने वाले इन मजदूरों को इस वबा के दौरान नकद अदायगी के साथ ही बैंक अकाउंट में भी रकम मुहैया कराई जा रही है। जिले में तेंदूपत्ते का काम इन दिनों काफी उरूज पर है। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ और मास्क लगाकर तेंदूपत्ते के बंडल बनाने और उसे जखीरा करने का काम जोरों पर है। पूरे जिले में 81 तेंदूपत्ते के कलेक्शन सेंटर बनाए गए हैं। इनके जरिए 12,000 बोरे तेंदूपत्ते तोड़ने का काम किया जा रहा है। इस काम में महाजिर मजदूरों को भी रोजगार मिल रहा है। मैं पत्ती के टूट 5-6 दिन पत्ती टूट भी गए और पैसा कैसा आ गया 50 रुपया और बैंक में चला जाएगा। मजदूरी मिली, काम किया, 50 रुपया नगद पाए, बाकी के बैंक में चले गए। इसमें ग्रामीणों को प्रथम 5 दिन का लगभग 1100 रुपया नगद भुगतान किया जाएगा, जो भी तेंदूपत्ता लाएंगे हमारे फड़ पर, और उससे जो अधिक की धनराशि रहेगी उनके खाते में सीधे क्रेडिट कर दिया जाएगा। नगद भुगतान का उद्देश्य ये है कि ग्रामीण जो है स्वयं अपना भोजन आदि की जो भी व्यवस्था करना चाहे नगद पैसे प्राप्त करके वो 5 दिनों का कर लेते हैं। इसमें हमारे यहाँ 81 फड़ लगाए जाएंगे पूरे जनपद में और हमारा लक्ष्य है कि लगभग 12,000 मानक बोरे पत्तों का यहाँ एकत्रितकरण किया जाएगा, जिसमें लोगों को भारी रोजगार मिलेगी। इसमें केवल नवयुवक ही नहीं, जो घर में काम करने में अशक्त व्यक्ति हैं वो भी तोड़े हुए पत्ती से गड्ढी बना लेते हैं और उसके उपरांत उनके घर के युवक ले जा करके फड़ों पर उसको
गिनवा करके संग्रहित कराते हैं और उसके बदले उनको धनराशि जो है उनके खाते में भेज दी जाती है। कोरोना की वबा से जूझ रहे गरीबों के दरमियान प्रयागराज में डॉक्टर भी राशन तकसीम करने के लिए आगे आ रहे हैं। प्रयागराज के डॉक्टर कृष्ण शरण सिंह मार्च के महीने से ही घर घर जाकर जरूरतमंद लोगों को आटा, दाल, चावल, चीनी, सरसों और तेल, साबुन जैसी जरूरत की चीजों के पैकेट बनाकर तकसीम कर रहे हैं। जिला इंतजामिया ने भी उनके अच्छे कामों को देखते हुए एक गाड़ी और अपने कुछ मुलाजिम उनके इस मुहिम में तआवुन देने के लिए मुहैया करा दिए हैं। जो गरीब हैं, जो लोग अपना व्यापार भी कर रहे हैं, जो परेशान हैं, उनके लिए कुछ करने का दिमाग में आया कि सब व्यापार बंद हो गया सारा, वो तो कैसे काम चलेगा। तो ये सोच कर ही हमने अपना ऑपरेशन स्माइल शुरू करा और हमने पूरा पैक करके जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो मेन्यू था उसी को फॉलो करके और हमने जो है ये मुहिम शुरू करके जो है फ़ोन आ रहे हैं, लोग हमसे कॉन्टैक्ट कर रहे हैं और सिर्फ गरीब ही नहीं कर रहे हैं, ऐसे लोग हैं प्रोफेशनली क्वालिफाइड हैं वो भी कर रहे हैं, जो सबके सामने नहीं आ सकते, लाइन में नहीं खड़े हो सकते, उन सबको हम देख रहे हैं, उनका ख्याल ईश्वर की कृपा से रख पा रहे हैं और आज भी हम बिल्कुल जोश के साथ। लॉकडाउन के दौरान बरेली जिले में किसानों को कोई दिक्कत ना हो इसके लिए मरकजी हुकूमत के जरिए किसानों को किसान एजाज फंड को 2000 रुपए की रकम मुहैया कराई गई, जैसे किसानों ने लॉकडाउन के दौरान खेती में आने वाली जरूरतों के लिए खर्च किया। किसान एजाज फंड से रकम पाकर किसान काफी खुश हैं और इसके लिए वो हुकूमत का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत जो 2000 रुपए प्राप्त हुए हैं इस लॉकडाउन अवधि में, उसके लिए उस रुपए से किसान के लिए खाद, बीज एवं सिंचाई हेतु बहुत ही लाभ प्राप्त हुआ है, इसलिए प्रधानमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद। लॉकडाउन में जो 2000 रुपए एक्स्ट्रा मिले हैं हमें प्रधानमंत्री जी हैं, उससे हमारा खेतों किसानी में लगा दिए, हमने कुछ लाभ मिला बहुत प्रधानमंत्री जी को। लॉकडाउन की वजह से मुझे किसानी निधि से पैसे आए, मैंने किसानी में लगाए पैसे और प्रधानमंत्री को ये पैसे देने का बहुत धन्यवाद। गोडा में उदयालक मुनि के आश्रम में वाके मनुरामा सरोवर से निकली 80 किलोमीटर तवील मनुरामा नदी 5 तरक्याती ब्लॉकों के 46 ग्राम सभाओं से होते हुए निकली है। चीफ तरक्यात अफसर शशांक त्रिपाठी ने बताया कि नदी की बहाली में 46 गांव से 4,500 मजदूर लगाए गए हैं, जिनमें हजारों की तादाद में महाजिर मजदूर भी शामिल हैं। काम करने वाले सभी मजदूरों को वक्त पर अदायगी की जा रही है। इस मौके पर गोंडा के रुकने पार्लियामेंट कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि वजीर आला की हिदायत पर पूरी रियासत की मादूम हो रही नदियों को बहाल करने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में मुमकिन आबी बहरान के मद्देनजर ये तैयारियां की जा रही हैं। हम बम्बई में रहते थे, वहीं काम करते थे, लॉकडाउन में वहीं फंस गए थे, तो वहां से हमको श्रमिक ट्रेन से लाया गया, हम लोग यहां आए और उसके बाद में हम लोगों को ये टेंशन था कि मतलब हम लोगों को रोजी रोटी का कुछ दिक्कत पड़ेगा। हम लोगों को काम मिला, मनोरामा नदी है तो मनरेगा के तहत हम लोग काम करते हैं और अब सरकार को धन्यवाद बोलते हैं। मुंबई में रहता था और वहाँ काम कर रहे थे, अचानक लॉकडाउन हुआ, मुझे खाने पीने की तकलीफ पड़ी वहाँ पे, और मैं इस पर जो ट्रेन चला है, सरकार ने चलाया, उस ट्रेन से आए हैं और यहाँ पे 14 दिन हम क्वारंटाइन किए हैं, उसके बाद में घर पे आए और यहाँ हमें जो है मनोरामा में काम मिला है और अच्छी तरीका से काम कर रहा हूँ, कोई तकलीफ हमें नहीं है। सरकार को मैं धन्यवाद देता हूँ, हमारा केंद्र सरकार और हमारा यूपी सरकार हमारे साथ बहुत सहयोग किया। जब तक किसानों को अपने खेत सींचने के लिए पानी नहीं मिलेगा तब तक हम लोगों का देश आगे कैसे बढ़ेगा, गरीबी कैसे दूर होगी। तो ये सारी चीज़ों को लेकर ये हर जगह पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं, जल के लिए ना मंत्रिमंडल बना है, ना विभाग बना है, तो इसी के अंतर्गत ये ऊपर से केंद्र से लेकर प्रदेश स्तर तक ये सारे काम हो रहे हैं।
खुश्कसाली का सामना कर रहे बुंदेलखंड के किसानों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। अब यहां के किसान अपने खेतों में कम लागत में ज्यादा आमदनी वाली फसलें तैयार कर सकते हैं। जालौन के एक नौजवान किसान ने जदीद तालीम, साइंस और तकनीक का सहारा लेकर अपने खेतों में अद्वियाती फसल की खेती करके अपनी आमदनी को कई गुना बढ़ा लिया है। जालौन जिले में किसान ने सतावर की खेती करके लाखों रुपये का मुनाफा कमाया है। ये एक अद्वियाती पौधा है जो मुख्तलिफ बीमारियों में काम आने के अलावा इंसान के मदाफाई कुव्वत के सबब से ज्यादा खाने में मदद करता है। इस पौधे की जड़ों का इस्तेमाल कई तरह की दवाओं में भी किया जाता है। यहां मैंने शतावर की खेती की हुई है। अगर आज के समय में देखा जाए तो कोविड-19 का जो इफेक्ट अपने देश में चल रहा है उसको देखते हुए ये फसल बहुत ही ज्यादा इम्यूनिटी को बढ़ाने वाली फसल है और लोगों को इसका भरपूर लाभ हो सकता है। यहाँ पे मैंने इसकी नर्सरी तैयार कर रखी है करीब 3 एकड़ में। इसका बीज मैं उत्तराखंड से लेके आया था और ये गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जैसे गर्म क्षेत्रों में भी ये हो रही है। उसको वहाँ से मैंने ये देख के और ये सोचा कि हमारे कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण पूरे देश में लॉकडाउन की वजह से ग्रामीण क्षेत्रों के श्रमिकों को गांव से बाहर जाकर मजदूरी करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। ऐसे में सरकार के निर्देश पर गांव में ही मनरेगा में काम मिलने और मजदूरी में 20 रुपए की बढ़ोतरी हो जाने से वो सब खुश है। बरेली जिले के गांव गोपालपुर अजीतपुर के रोजगार सेवक महेश पाल सिंह ने बताया कि 22 अप्रैल को लॉकडाउन में सरकार ने मनरेगा में काम शुरू करवाने का आदेश दिया था। इसी दिन से गांव में मनरेगा का कार्य करवाया जा रहा है। हमारे ग्राम पंचायत में 251 मनरेगा जॉब कार्ड बने हुए हैं। कई नए श्रमिकों के आवेदन पर उनके मनरेगा जॉब कार्ड बनाए गए हैं। श्रमिकों के मनरेगा में 20 रुपए प्रतिदिन की बढ़ोतरी हो जाने से वे सभी बेहद खुश हैं और सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं। और इसमें एक तो खजरी में किया है जिसमें उन्होंने छोटे छोटे पौधे थे जो पिछले 22 तारीख से जुलाई में लगाए गए ग्राम पंचायत गोपालपुर में। अभी तक उन्होंने 1 हेक्टेयर से करीब 4.5 लाख रुपए की पौध बेच ली है। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना में सरकार द्वारा 20 रुपए यूनिवर्सिटी में पर डे के हिसाब से सतावर की खेती मजदूरी बढ़ाई गई जिससे हमारे ग्राम पंचायत के समय बहुत खुश है। हमारे ग्राम पंचायत में 251 मनरेगा जॉब कार्ड बने हुए हैं जिसमें कई नए लोगों ने आवेदन किया और उसके लिए हमने कार्ड बनाए तथा नए श्रमिकों को जोड़ा भी गया है उनके परिवार में। इसकी जो जड़ें होती है जड़ों को सुखा कर छील कर इन्हें प्रोसेसिंग करके मरकजी काबिना की मीटिंग में हाल ही में किसानों के मफाद में कई अहम फैसले लिए जाने से बाराबंकी में किसानों को बड़ी राहत मिली है। ये फैसले जरूरी शोबे में बदलाव लाने में काफी मददगार साबित होंगे और इन फैसलों से फसलों की खरीद व फरोख्त को लेकर कई तरह की बंदिशों को हटाए जाने से भी किसानों को काफी सहूलत हो रही है। किसानों का कहना है कि अब फसलों की कम कीमत पर फरोख्त से होने वाले नुकसान से किसान बच सकेंगे। स्कीम में किसानों को 50% सब्सिडी ट्रांसपोर्टेशन पर और 50% सब्सिडी जखीरा अंदोजी पर दी जाएगी। बाराबंकी जिले में आलू, टमाटर और प्याज पैदा करने वाले किसानों के साथ फल और सब्जी उगाने वाले किसानों के लिए भी ये फैसले काफी मुफीद साबित हो रहे हैं। केंद्र सरकार की कैबिनेट द्वारा ली गई और कल अहम बैठक में छोटे किसानों के लिए काफी कुछ किया गया जिसमें छोटे किसान अभी तक मंडी में अपनी उत्पाद बेचने के लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करते थे जो अब सरकार ने कहा है कि हम APO बना के छोटे छोटे किसानों को प्रोत्साहित करेंगे जो अपने उत्पाद को एक जगह से दूसरे जिले में, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में ले जाकर आसानी से बेच सकेंगे जहां उन्हें अच्छी कीमत मिले। हम किसान अपने उत्पाद को जो हमारा सामान पैदा होता था उसको अपने जिले में और इंस्पेक्टर राज से बहुत हमको सताया जाता था। उसमें इंस्पेक्टर राज भी ख़त्म कर दिया, मंडी भी ख़त्म कर दिया और हम अपने एक दूसरे प्रदेश में ले जाके बेच सकते हैं। दूसरी चीज़ कि जो एक बियर हाउस की व्यवस्था कर दी है सरकार ने, बियर हाउस में हम अपना जो सामान, हमारा अनाज पैदा हो, जो भी जींस पैदा होते हैं उनको हम अपने मतलब तुरंत बेच के किसान को तुरंत काम होता है दूसरी फसल के लिए तो उसका 50% हमको मिल जाएगा और जब हमारा बहुत रेट हाई होगा बाज़ार का तब हम अपने सामान को बेचेंगे तो उससे हमारा आमदनी। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री परमादरणीय नरेंद्र भाई मोदी और हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी का बड़ा तोहफा दिया है, सरकार ने रबी की फसलों में न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी दी है।
जिसको गेहूं के 1840 के सापेक्ष 85 रुपए की वृद्धि करके 1925 रुपए का समर्थन मूल्य घोषित किया है। हम किसानों के लिए इस कोरोना महामारी में ये किसानों की माली हालत को सुधारने में मील का पत्थर साबित होगा। आखिर में अहम खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने 3135 करोड़ रुपए की लागत वाले 28 पावर सब स्टेशन का सर बुनियाद रखा और इफ्तिताह किया। रियासत में सभी जगह 24 घंटे बिजली की फराहमी की सिमत में बड़ा कदम। वंदे भारत मुहिम के तहत कुवैत में फंसे हिंदुस्तानियों की वतन वापसी के लिए कुवैत से दिल्ली होते हुए भुवनेश्वर आ रहा है खसूसी तैयारा। मुसाफिरों के चेहरों पर नजर आ रही है खुशी। रियासत के वजीर मुमलकत बराए हज मोहसिन रजा ने कहा, आज़मीन-ए- हज का कोरोना वायरस से तहफ्फुज़ अहम। सऊदी अरब के साथ सफर हज को लेकर अब तक नहीं हो सका है राब्ता, इस साल का सफर हज किया जा सकता है मंसूख। और महाजिर मजदूरों को बुंदेलखंड के ललितपुर जिले में मनरेगा के तहत तेंदूपत्ता तोड़ने का मिल रहा है काम। जिले में बनाए गए हैं 81 तेंदूपत्ता कलेक्शन सेंटर, मजदूरों को उनके बैंक अकाउंट में मिल रहा है मेहनताना। इसी के साथ खबरों का सिलसिला यहीं पर खत्म हुआ। शबाहत हुसैन को दीजिए इजाजत। शब बख़ैर।